आज अलीगढ़ जनपद में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के संबंध में कार्रवाई की गई है, जो प्रसाद औषधि व प्रसाधन सामग्री के अंतर्गत जो 1940 जो हमारा एक्ट है उसके अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है, इसमें जो ऐसी सूचना जो शासन स्तर से प्राप्त हुई थी कि कुछ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में बेचे जा रहे हैं, जो कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे जो एक्ट के मुताबिक कि लेबलिंग में इस तरीके का कुछ लिखा जाए कि ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, जो कि एक मिथ्या या मिसब्रांडेड हम कहें मिसब्रांडेड उसमें आ जाता है। और लेबलिंग के जो नियम हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 जो कि 2020 में अमेंडमेंट हुआ है उसमें अध्याय 6 में जो निहित है कि लेबलिंग में आप ये हलाल सर्टिफाइड नहीं लिख सकते, ऐसे प्रोडक्टों की आज जो है अलीगढ़ जनपद में जांच की गई। सर्वप्रथम जो जांच की गई वो गीतांजलि स्टूडियो में की गई, जहां से कि एक सैंपल हमने नमूना के लिए संग्रहित किया जो कि जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इसी क्रम में दूसरा जो हमने लुक्स सैलून है सिटी सेंटर मॉल के अंदर वहाँ पर भी जांच की गई, वहाँ से भी एक सैंपल लिया है जो जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इसके बाद रेलवे रोड पर कार्रवाई की गई है जिस पे कि गर्ग श्रृंगार के यहाँ कार्रवाई की गई, वहाँ एक हमने निरीक्षण आख्या जो है बनाई, मौके पर प्रोडक्ट्स की जाँच की गई। इसी के क्रम में रेलवे रोड पर दूसरी दुकान श्रृंगार पैलेस के नाम से है, वहाँ से हमने 2 सैंपल लिए और जिनको जो है जन विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जाएगा। और यहाँ पर जो उपस्थित फर्म के जो मालिक हैं मित्तल जी उनका सहयोग भी रहा, और यहाँ से इस तरह की अगर कोई हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पाया जाता है तो इसमें जो है ये मिथ्या छाप प्रोडक्ट्स में आएगा जो कि मिसब्रांडेड की श्रेणी में आता है। इसमें कार्रवाई ये है कि नियमित और वो जो भी धाराएं निहित हैं हमारे एक्ट के अंतर्गत उसके मुताबिक इसमें जो है कार्रवाई की जाएगी और शासन के आदेशों के अनुपालन में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, और जो रिपोर्ट है वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित की जा रही है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।